अवनीशा और फिरोज जो आ रहे हैं वो उनके लिए यहाँ पे जगह बनानी है। उनके आने से पहले पहले काफी सारी सेटिंग हैं जो कि कंप्लीट करनी है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और बस जो है ना अपने किचन में तैयारी करूंगी। हम जो है ना अक्सर 3 बजे तक खाना खाते हैं क्योंकि सुबह लेट उठते हैं, लेट नाश्ता करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 11 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर किचन में काम करती हूँ जब मैं, तो फिर दोपहर के जो है ना 2:30 बज रहे होते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ किचन में, यानी कि रोटी वगैरह पका रही होती हूँ। खैर खाना खाते दोपहर खाते खाते दोपहर में जो ना 3 बज जाते हैं। उसके बाद रात का खाना वही 8, 8:30, 9 बजे तक खा लेते हैं। अभी खैर थोड़ी देर में मैं किचन में जाऊंगी, काम शाम करूंगी, अपने रोटी वगैरह पकाऊंगी। कल हमने भिंडी पकाई थी, वो भी रखी हुई है, वो गरम वगैरह करूंगी। और अभी फिलहाल पापा और भाई दोनों जो है ना अपने कमरे में बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे वाले कमरे में बैठे हुए हैं, उधर गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ, आप सबको भी बताती हूँ क्या बातें चल रही हैं उधर, और मैं भी कुछ बातें करती हूँ उनके साथ। फिर अभी घर में जो है लाइट नहीं है इसलिए रूम में अंधेरा हो रहा है। सबूत के तौर पे आपको ये दिखा देती हूँ कि सुबह से जो है ना आज 9:30 बजे से लाइट नहीं है, तो पापा का फोन खाली हो गया था। पापा ने यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया हुआ है, वो भी पावर बैंक पे। इसके बाद मेरे फोन की बारी आएगी, मैं अपना फोन लगाऊंगी क्योंकि मेरे फोन में 26% चार्जिंग है बस। और जो है ना अभी खाने के लिए भी देखती हूँ, वैसे तो अरवी पापा कल ले आए थे पकाने के लिए, आज देखती हूँ क्या पकेगा आज। अभी फिलहाल फ्रिज में भी कोई गैस वगैरह नहीं बनी हुई, कूलिंग नहीं है। तो अभी चलते हैं कमरे में, कमरे में यहाँ पर बैठे हुए हैं पापा और भाई दोनों जो है ना गप्पे मार रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम सलाम। बातें चल रही हैं यहाँ पर? मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, बातें साथे हो जाएंगी सारी साथ साथ। असल में बातें तो खैर कर रहे हैं लेकिन पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। पंखे के नीचे बैठे हुए हैं इसीलिए यहाँ पर बातें कर रहे हाँ, हैं, लाइट नहीं है इसी क्योंकि वजह आज से। सुबह से लाइट नहीं है और मेरे कमरे में पंखा चल नहीं सकता। मेरे कमरे की बैटरी वहाँ पर हाँ ये है, आपके है ना। कमरे की बैटरी वाईफाई पर रखी हुई है और हाँ, दूसरी यहाँ पर है, इसीलिए जो है ना ये पंखा चल रहा है। ये सारी तुम्हारी मेहरबानी है समझा, हाँ, ये तो है, कि मेरी बैटरी तुमने उठवा के वहाँ वाईफाई के साथ सेट करवा दी। वाईफाई के बिना गुजारा ही नहीं है। हाँ, वाईफाई के बिना गुजारा नहीं है। अब मैं दरअसल बातें कर रहा था कि निशा और फिरोज आएंगे तो उनके लिए सेटिंग बनानी है, कहाँ पर अच्छा बनाएं, कैसे बनाएं। तो मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि जो बैठक है ना, हाँ बैठक बैठक में उनका रहने का बैठने सेटअप का कर लेंगे। सेटअप उधर रखेंगे। हाँ ये भी ठीक है, उधर लेकिन आसानी से रख लेंगे। ये भी अभी मेरा मशवरा है, पता नहीं निशा से भी मैंने मशवरा लिया नहीं है क्योंकि हो सकता है वो जगह छोटी पड़ जाए। क्योंकि सही है, ये बैठक में तो सही है, ये बैठक थोड़ी छोटी है ना, मसला ये देखते है। हैं, हम अब तो ये तुझे पता सोच रहे है हैं वो अपना मशवरा वो वगैरह करेंगे। जो छोटू है शैतान है, अब उसके लिए जो है ना वो वाईफाई की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, और ना ऊपर वो रखना उठा के पड़ेगा। फेंक देगा। हाँ, वो सारी चीज़ें इधर उधर करनी है और कमरे में जो है फिर चारपाइयाँ भी लगानी, और दो उस कमरे में चारपाई। पंखा भी लगाना है, फिर हमने हाँ, पंखा भी लगाना है। बैटरी भी चाहिए फिर। पंखे के लिए मैंने सोचा था ये वाली बैटरी ख़राब हुई भी है, हाँ ये एक बैटरी जो है ना यहाँ इसको पर बनवा रखी हुई है लेंगे, जो कि खराब है। इस वाली बैटरी को बनवाएंगे और फिर ये बैटरी और एक पंखा लेना है। वो जो सही पंखा है, लगा हुआ है वो बिजली वाला है। ऐसा ले लेंगे, एक AC DC, हाँ, फिर एक ये बैटरी क्योंकि बनवा लेंगे। क्योंकि उन लोगों को तो चाहिए ना। अब हम ये बैटरी वाले पंखे में बैठे होंगे, वो गर्मी में बैठेंगे। हाँ, एक बस पंखा एक ले लेंगे, पंखा फिर लगवा उधर देंगे, लगाएंगे, बैटरी ये वाली सही करवाना आप। ये वाली बैटरी सही करवाएंगे और क्या करेंगे। और फिर देखते हैं बाकी जो सामान वहाँ फैला हुआ है वो सुहान के हाथों से बचाना है। वो तो हवा घर में काफी सामान है, है ना, काफी सारा सामान उठाना है फिर। बाकी चारपाइयों का मसला होएगा। ये तो खैर कमरा खाली हो जाएगा, ये दोनों चारपाइयाँ वहाँ चली जाएंगी। हाँ और अभी मैं खाने का पूछने के लिए आई थी कि खाना क्या बनाना है। कल आप अरवी लेके आए थे वही पर। खाना बाबू, मैं सोच रहा हूँ कि आज सुबह से लाइट भी नहीं है और गैस भी नहीं है, गैस अच्छा भी बहुत कम आ रही है। अगर गैस आ जाती है तो ठीक है, वो लाइट आ जाती है ठीक है, शाम से पहले पहले। और मेरे हाँ को जो है ना तुम्हारे बड़े बुआ के घर पे भी जाना है। अच्छा, बड़े अब्बू के घर हाँ, पे भी वहाँ पे जाना है, अगर टाइम लग गया, डेढ़ ज़्यादा टाइम लग गया तो मसला है, क्योंकि वहाँ फिर फिर देर हो छुट्टी हो जाएगी। जाएगी खाने की। अल्लाह मालिक है, देखते हैं। फिर रात को बाहर से कुछ मंगा लेंगे, गुजारा कर सही लेंगे। है, वापसी में बाहर से ले आना है या फिर आने के बाद में ले आऊँगा। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी चलते हैं, तीनों चलते हैं, तीनों हैं? चलते हैं, भाई लेकिन जाएंगे, मैं तो तीनों राजी हूँ। तीनों जाएंगे तो फिर पैदल जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि बाइक हमारी सही नहीं है। हाँ, तीन बंदों को नहीं लेके जा सकते।
हम दोनों चलेंगे, छोड़े भाई की पहले हालत ऐसे चलो, खैर बेकार। वो तो बात का मसला है, पहले ये बैटरी देनी है। बैटरी क्योंकि चार तीन काफी टाइम में 4-5 दिन में वो बैटरी बनकर आएगी। सही है, फिर चलेंगे ये देकर ये आने के, बैटरी भी बनवा लेंगे देनी है। उसको। हाँ काफी सारे काम है वो तो होते रहेंगे, लेकिन अभी बैटरी देनी है। छोटे छोटे काम अभी से करना स्टार्ट करेंगे तो घर के काम खत्म होंगे। काफी काम है। अब मैं क्या, मैं और अकेले करने करने वाले सिर्फ दो बंदे। वाले 2 बंदे हैं। हाँ चलो अभी तो बहुत बड़े बड़े काम है बाहर, अभी फिलहाल आज का सोचते हैं करते हैं क्या करते हैं, बैठ नहीं है अभी तो यार। चलो हाँ गर्मी में बैठे हैं इधर। तो अभी जो है ना मीठा पानी खत्म हो गया था, क्योंकि जो इस बार खारा पानी आया, तो खारा पानी हमने भरवाया है, लेकिन पीने के लिए नहीं है। खैर पीने के लिए अभी भाई जो है मीठा पानी लेने के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ से केन वगैरह खाली करेंगे, केन में भरवा के ले जाएंगे। कूलर में जो है ना अभी फिलहाल थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसलिए हमने भाई को बोला भाई लेकर आए मीठा पानी, खाना भी पकाना है और हमने पीने के लिए भी चाहिए ना। और मौसम भी काफी अच्छा बना हुआ है, धूप वगैरह है नहीं बाहर, सब ऐसे ही बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। इसको लगा लो गेट और ये कैन अभी खाली कर लो। और ये मैं अभी बर्तन वगैरह लगाती हूँ, यहाँ पर अपना काम करती हूँ किचन में, जो भी काम है मेरा। भाई जा चुके हैं अभी, और पापा जो है ना यहाँ का पंखा बंद करके यहाँ पर आके बैठ गए हैं, दरवाजा वगैरह खोल के, क्योंकि हवा वगैरह चल रही है हल्की हल्की, तो पापा ने सोचा मैं यहीं पर ही बैठ जाता हूँ, यहाँ पर रोशनी भी है, उधर तो इतना ज्यादा अंधेरा हो रहा है। और हम जो है ना आप ही को यही वाला रूम सेटअप करके देंगे, यहाँ पर जो है ना चारपाइयाँ वगैरह आ जाएंगी, ये कमरा सेट हो जाएगा, यहाँ एसी डीसी का पंखा लगा देंगे, ताकि जो है ना ये बैटरी के ऊपर चल जाए। ये वाली बैटरी तो खैर अभी वाईफाई पे लगी हुई है, वो वाली बैटरी आएगी वो यहाँ जब भी पर। बनने के लिए देंगे ना वो हाँ वाली बैटरी यहाँ पे लगा देंगे इस पंखे के साथ, एसीडीसी के साथ। ये वाला ये पंखा वाला तो उतार दूसरा देंगे। है हाँ ना, न्यू पंखा आएगा यहाँ पर। ये पंखा उतार देंगे, यहाँ इधर चारपाई भी आ जाएंगे इनके। है हाँ पूरा कमरा सेट हो जाएगा ये आसानी से, कमरा आप पूरा ही और सेट हो दो बच्चे जाएगा, सही से रहेंगे। बस थोड़ा वाईफाई का थोड़ा सा हाँ मसला बस है। यही मसला है कि सुहान आएगा तो सुहान जो है ना हमारा माशाल्लाह से बहुत शरारती है, हाँ इसलिए जो है ना हमें ये सब शायद उठाना पड़ेगा यहाँ से। ये सारा जो है ना, ये सारा यहाँ से उठा के मैं इसका सारा सिस्टम यहाँ दीवार पे लगाऊंगा। दीवार पे ठीक रहेगा वाईफाई वैसे। को दीवार के साथ ऐसे करके लगा दूंगा, छुपा दूंगा, बाकी यहाँ से टेबल वेबल सब बढ़ जाएगा। देख हाँ क्योंकि अभी तो हम घर में बड़े हैं, हमें पता है इसको ये छेड़ना नहीं वाईफाई है ना, आता। ये वाईफाई ये उठेगा और यूं ऐसे करके ये दीवार पे लग जाएगा, ये तारे वारे सब इधर चले जाएंगे ऊपर, हाँ सही है। नीचे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये ना। अब ये जगह बहुत है इनके लिए, निशा के लिए और फिरोज के लिए। दो जगह तो चारपाई आ जाएंगे, काफी है बस। एक चारपाई वहाँ आ जाएगी, एक चारपाई यहाँ आ जाएगी, एक सोफा ये छोटा यहाँ पर आ जाएगा हाँ बस रात रात की है बात ना। होती है, दिन में कौन ऐसे सही से बैठेगा, हम लोग हाँ तो बहुत बिजी है। होंगे अपनी तैयारियों में फिर। हाँ यहाँ दोपहर की तैयारी हो रही है और मेरे ख्याल में स्नान भी आ गया है। क्या पानी मिल गया? मिला ही नहीं, 3-4 जगहों पे गया हूँ, है ही नहीं मीठा पानी, मीठा पानी कहीं पर भी नहीं है पानी। नहीं मिल रहा कहीं पे भी नहीं मिल रहा, 4-5 जगह पे चला गया मैं, है ही नहीं, अब फिर पता क्या नहीं। करेंगे यार, ये हमने डलवाया था पानी, ये थोड़ा मिक्स है मीठा नहीं है अभी, क्या करें, पिया भी नहीं जा रहा ये पानी। देखूंगा एक आध चक्का रोल लगाऊंगा, थोड़ी दूर कहीं मिल गया तो सही है, वरना तो फिर यही पियेंगे 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता गुजारा करेंगे ऐसी कोई नहीं पी नहीं गुजारा गुजारा नहीं, ये नहीं पिया जा रहा, ये ठंडा करके तो सही लग रहा है लेकिन ये पिया नहीं जा रहा। बहरहाल देखते हैं अल्लाह मालिक है। ठंडा करके पी कितनी रह गई? चलें ले बस आखिरी। ये रोटी भी बस हमारी पक गई दोपहर की, और खाना खाते हैं, खाना खा के फिर जाएंगे अदनान के साथ बैटरी लेके। ये पानी की बोतलें सारी खाली पड़ी हुई हैं। हाँ पानी की जाहिर है खाली तो पड़ी रहेंगी और क्या, क्योंकि पानी है नहीं तो मीठा कैसे पानी खाएंगे। है नहीं। चलें जल्दी जल्दी फिर खाना खाएं फटाफट। दरअसल घर के काफ़ी सारे सेटिंग हैं जो अभी से हम करना शुरू करेंगे तो आगे चलकर सारी एक एक करके छोटी छोटी सेटिंगें जो हैं, जो भी छोटे छोटे काम हैं ये पूरे होते चले जाएंगे। काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कि करने पड़ेंगे। अब जाहिर है अदनान है, अदनान को इतना इलम नहीं है कि क्या क्या काम किस टाइम पे होंगे और किस तरीके से होंगे। अब मैं अभी से तैयारियां शुरू करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे काम अपने अपने इख्तिताम पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते रहेंगे और सारे काम कंप्लीट होते रहेंगे। जैसे कि अब जब आगे बड़ा प्रोग्राम जब आ रहा है तो उसमें जो है ना मेरे दामाद और मेरी बेटी भी आएगी, और जाहिर है दूसरी दामाद भी है और बेटी भी है, तो इन सबका यहाँ होना एक ज़रूरी भी है। और क्योंकि
रहने के लिए उनके लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। अब निशा और फिरोज जो आ रहे हैं वो उनके लिए यहाँ पे जगह बनानी है, तो उनके आने से पहले पहले काफ़ी सारी सेटिंगें हैं जो कि कंप्लीट करनी है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी, जो ख़ास तौर पर सुहान के लिए, सुहान जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को इतना आगे पीछे फेंकता है, शरारतें करता है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर जो बैठक है इधर काफ़ी सेटिंगें करनी है, और कमरे में जो भी पंखा वगैरह लगाना है, बैटरी लगानी है, ये सारे काम करने हैं। और अभी शाम का टाइम होता जा रहा है और मुझे जाना है अपने बड़े भाई के घर, क्योंकि ईद के बाद से अभी तक मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि शादियाँ आ गई थी, शादियों में तो हॉल में और शादी हॉलों में तो हम मिलते गए मिलते रहे, बड़े भाई वगैरह और मेरी बड़ी बहन, अभी तक ईद के बाद मैं किसी के घर पर भी नहीं गया हूँ। तो मैंने सोचा चले आज जाता हूँ, क्योंकि वो लोग भी शिकवा कर रहे होंगे कि हमने जो है ना, मैंने अदनान का भी रिश्ता तय कर दिया और मेरा भी जो एक प्रोग्राम था, मेरा भी रिश्ता जो था वो भी हो गया है, तो अभी तक मैंने उन लोगों को कोई ऐसी बात नहीं करी, खुशखबरी नहीं हुई है, तो उनके साथ उनके पास जाता हूँ और उनसे काफ़ी सारी गुफ्तगू हैं, काफ़ी सारी बातें हैं वो भी करता हूँ, अगर वहाँ पर मौका मिला उन वीडियो बनाने का। वैसे तो खैर ज़ाहिर है हमारे किसी भी घर में जो है ना वीडियो नहीं बनती है, भाइयों के घर में, बड़े भाइयों के घर में, मेरे से जो छोटे भाई हैं उनके घर में, लेकिन अगर वहाँ वो मौका मिला तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मेरे भाइयों का घर कहाँ पर है, कैसा है, कौन से भाई किधर रहते हैं, कौन से भाई किधर रहते हैं। वैसे तो तीनों चारों भाई एक साथ एक ही लेन में एक ही रहते हैं, अलग अलग घर हैं। इंशाल्लाह वहाँ की जो वीडियो बनेगी तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, यानी कि आगे आने वाली व्लॉग में कल देखना। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, जाने का भी टाइम है, और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।